अगली खबर की ओर। श्री रेणुका जी झील में फैली गंदगी और गाद को लेकर वन्य प्राणी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि ना तो खुद विभाग झील की सफाई कर रहा है और ना ही यहां पर सेवा भाव से काम करने वाले लोगों को सफाई करने दे रहा है। श्री रेणुका झील की सफाई ना होने पर ग्रामीणों ने वन्य प्राणी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। रेणुका समिति से जुड़े दर्जनों ग्रामीणों ने वन्य प्राणी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और रेणुका झील के सफाई न होने को लेकर सरकार को एक शिकायत पत्र भी भेजा है। रेणुका सेवा समिति के लोगों का कहना है कि रेणुका झील से उनके धार्मिक आस्था जुड़ी है और रेणुका झील की सफाई को लेकर वन्य प्राणी विभाग गंभीर नहीं है। रेणुका सेवा समिति के प्रमुख सदस्य कुलदीप ठाकुर ने कहा कि रेणुका झील लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है। झील दलदल बनती जा रही है और मौजूदा स्थिति में झीलों का अस्तित्व खतरे में है। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन के माध्यम से विभाग से आग्रह किया जा रहा है कि सफाई कार्य में तेजी लाए। रेणुका जी से राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। अस्तित्व है वो खतरे में है। आप सभी बहुत दूर दूर से यहाँ पर लगभग 50-60 किलोमीटर दूर से यहाँ पर पहुँचे, आपका धन्यवाद है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी के मन में भी पीड़ा है, तभी आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और हम लोगों के मन में तो है ही है, हम पिछले कई समय से यहाँ पर जो है थोड़ा सा श्रमदान कर रहे थे, सेवा श्रमदान विभाग के साथ मिल करके, और आप सभी लोगों ने भी सहयोग किया। जब हम लोगों ने शुरुआत करी थी तो 10-20 लोग थे, लेकिन आज के समय में जो है सैकड़ों हजारों लोग जुट चुके हैं। आप सभी अपना जो है काम छोड़ करके यहाँ आए हैं और विभाग को जगाने का जो प्रयास किया है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि विभाग ना तो हमें करने दे रहा है, ना आप लोगों को करने दे रहा है, ना खुद कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि कितने समय से, पिछले 10 वर्षों से प्लानिंग ही बन रही है जिसमें कि गाद को निकाला जाएगा, लेकिन वो दिन कब आएगा जब निकाला जाएगा, ये सोचने वाली बात है। आप देख सकते हैं कि झील का जो है लगभग जो है 200-300 मीटर जो एरिया है वो बिल्कुल सूख गया है, खत्म हो गया है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं गाद इतनी भर चुकी है कि जो गाद है यहाँ से जैसे पानी भरता है तो जो मछलियाँ हैं वो तालाब में आती है और तालाब के बाद वो सड़कों पे नजर आती है, जो कि एक चिंताजनक विषय है। हमारा प्रयास ये है, आज हम किसी के खिलाफ यहाँ पर कोई नाराबाजी नहीं करने आए, लेकिन विभाग को थोड़ा सा आश्वस्त कराने के लिए आए हैं कि आप थोड़ा सा इस चीज के बारे में सोचें, समझें, थोड़ा सा हमारी पीड़ा को भी समझें, क्योंकि हमारी जो है माँ